Hello everyone, today's our topic is law of multiple proportion. Aapko pata hai ki it is a law of chemical combination. So definitely isme hum relate karenge, we will deal with the masses of the elements. So aaiye iski definition lete hain. According to this law, when two elements combine to form टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, तो यहाँ पर हम टू एलिमेंट्स ले लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन. सो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग कि व्हेन टू एलिमेंट्स कौन कौन से, कार्बन और ऑक्सीजन, दे कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स. तो कार्बन और ऑक्सीजन दो कंपाउंड बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. तो अगर ऐसा हो तभी लॉ क्या कहता है, देन मासेस ऑफ द वन ऑफ द एलिमेंट्स, कि कार्बन और ऑक्सीजन में से किसी एक एलिमेंट के मास, तो ऑक्सीजन के मास ले लेते हैं, मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स, तो हम किसके मासेस लेंगे, ऑक्सीजन के, विच कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट. तो अदर एलिमेंट हुआ इसमें कार्बन, तो उस अदर एलिमेंट का, दूसरे एलिमेंट का मास जो है वो हमने क्या लेना है, वो फिक्स लेना है, कंबाइन विद अ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट. बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर, बोलने का मतलब है, अब समझते हैं इसको. देखिए कि कार्बन और ऑक्सीजन टू कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है, वन इज योर कार्बन मोनोऑक्साइड CU जिसको हमने लिखा है. तो इसमें देखें कि कार्बन का मास है 12 पार्ट्स और ऑक्सीजन का मास इसमें कितना है, 16 पार्ट्स बाय CO2 में. तो CO2 में कार्बन का मास है 12 पार्ट्स, वो फिक्स करना है हमने, दोनों में 12 होना चाहिए, तो फिक्स हो गया. और CO2 में मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 32 पार्ट्स. ये आप याद करेंगे कि ऑक्सीजन का एक का 16 होता है, तो दो का कितना हो जाएगा, 32. अब ये लॉ क्या बोल रहा है कि हमने दो एलिमेंट में से एक का मास कर दिया फिक्स, दोनों में कितना है, बराबर है, उसको बोल दिया फिक्स हो गया 12, और दूसरे एलिमेंट के मासेस कितने हैं, ये देखेंगे, ऑक्सीजन के मासेस CO में कितना है, 16, CO2 में कितना है, 32. तो इनकी जो रेशियो आपस में आई वो आई 1:2. तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो गई है. तो यही ये लॉ है कि जो रेशियो होगी एलिमेंट्स की, मासेस की, जो कि फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन करती है, तो ये रेशियो सिंपलेस्ट आनी चाहिए और आती है. ठीक है, तो इसी को इलस्ट्रेट करने के लिए, इसी को हमने एक्सप्लेन करने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं. द सेकंड एग्जांपल इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मिलकर बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, दो से ज्यादा बनाते हैं. कौन कौन से हैं, N2O है, NO है, N2O3, N2O4, N2O5 है. यहां देखिए, इसमें नाइट्रोजन का आप याद रखेंगे कि एक एटम का मास होता है 14, तो दो का हो गया 28. यहां एक ही है ऑक्सीजन का एटम, तो यहां पर नाइट्रोजन के एटम का मास हो गया 14, यहां 28, यहां दो एटम है नाइट्रोजन के, 28 यहाँ पे भी हैं, N2 है तो 28 होगा. ऑक्सीजन का मास, एक एटम का मास 16 है, यहाँ पर भी एक ही है तो 16, यहाँ पर तीन है तो 16 × 3 = 48, यहाँ 4 है तो 64, और यहाँ 5 है तो 16 × 5 = 18. अब यहाँ पे नाइट्रोजन का मास NO को छोड़ के बाकी में सभी में कितना है, 28 ईच है.
जब ये लॉ अप्लाई करना है हमने, तो हमने एक एलिमेंट का मास फिक्स करना है। तो हम क्या करते हैं कि 28 को जो है वो 14 कर देते हैं। दैट मींस कि यहाँ पर मैंने 28 को जो है 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 14। लेकिन नाइट्रोजन के मास को करना है 2 से डिवाइड, तो ऑक्सीजन के मास को ही मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 8। यहाँ 14 है, यहाँ डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 14 नाइट्रोजन का है तो 16 ऑक्सीजन का, जैसे है वैसे ही ले लिया। यहाँ 28 है ऑक्सीजन का, 14 करना है, 2 से डिवाइड किया 14, 48 को 2 से डिवाइड किया 24। सिमिलरली यहाँ पे 28 को 2 से डिवाइड किया 14 आया, ये रेड कलर में लिखा है, और 64 को फिर 2 से डिवाइड कर दो 34 आया, 80 है, और ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का 28 है, 14 करने जा रहे हैं हम सभी में, तो ये 14 हो गया, और 2 से डिवाइड करके तो 80 को 2 से डिवाइड करके 40 आ गया। अब ये हो गए मासेस ऑफ द वन ऑफ द एलिमेंट्स, दैट इज ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस हैं 8, 16, 24, 32, 14। ये सभी किसके साथ कंबाइन करते हैं, हर कंपाउंड में 14 ईच ऑफ नाइट्रोजन। तो इन मासेस की रेशियो फिक्सेस का हो गया, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन के मासेस कितने हुए 8, 16, 24, 32, 40, इन सब की जो आपस में रेशियो आई, अब देख लीजिए 1:2:3:4:5, अगेन दिस इज योर सिंपलेस्ट रेशियो। सो दिस इज योर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप आपको ये लॉ समझ आ गया होगा, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।